चैनल एंड सो सॉरी कि इतना टाइम बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। और ये वीडियो है 14 नवंबर का, जब बाल दिवस था उस दिन का। और ये मेरे बाबू का स्कूल है और इसमें कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं याद मेमोरी के तौर पे मैंने इसे सेव करके रख लिया। और यूट्यूब पे है ना कि एक सेव हो जाता है कि मेरा बेटा इन फ्यूचर कभी भी देख सकता है, तो इसलिए। और ये स्टॉल लगा हुआ था कुछ फूड वगैरह का, तो उसको भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया है। बाबू स्क्रैच करने के लिए बोला था, जो प्राइज वगैरह इनाम वगैरह निकलता है ना उस के लिए, तो बोला था मम्मा मुझे वो वाला चाहिए स्क्रैच कार्ड। तो ये मेरी कुछ फ्रेंड, बाबू की फ्रेंड की मम्मा है तो वो मेरी भी फ्रेंड है, तो उन लोगों को भी मैंने वीडियो में थोड़ा सा ले लिया था। उन लोगों को पता है कि मैं वीडियो डालती हूँ, तो वो लोग कम्फर्ट रहते हैं तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज कुछ लोग कम्फर्ट नहीं होते वीडियो में आने के लिए, तो इसलिए नहीं ले पाती हूँ। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था तो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने उन सबों को भी कैप्चर किया था, बट शूट कर पाई वही बात है, बहुत मुश्किल रहता है। दो बच्चों के साथ मैं गई थी तो बहुत मुश्किल से कर पाई थी। और यहाँ पे बाबू स्क्रैच कर रहे और देखिए क्या जीतता है, देखते हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वही बाबू को स्क्रैच करवा रही थी, यहाँ पे चूज करने के लिए बोली थी कौन सा स्क्रैच करना चाहते हो, तो बाबू वही करने जा रहा है। और ये फर्स्ट टाइम था तो बाबू को पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, तो फिर देखिए बताएगा। और यहाँ पे सबको कोल्ड कफ हो रखा है एंड यहाँ पे बाबू स्क्रैच किया और 7 बलून जीत लिया। तो यहाँ पे बाबू को 7 बलून मिल जा रहा है। एंड उसके बाद से थोड़ा बहुत कुछ बाबू कुछ लिया था। यहाँ पे मेरे बेटे का तबीयत उतना सही नहीं था तो वो पानी पूरी नहीं था। यहाँ पे हम अपनी फ्रेंडों के साथ पानी पूरी एंजॉय करेंगे, बट मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई थी। यहाँ पे बाबू से पूछी थी तो बाबू मना कर दिया था, जो उसको लेना था वो ले लिया था। पॉपकॉर्न खाना था, एंड यहाँ पे हम लोग पानी पूरी खा रहे हैं। और फिर वापस से आके यहाँ जो लगा था चेयर वहाँ पे हम लोग बैठ गए। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा था तो सब यहीं बैठ के देख रहे थे। और ये है बाबू का स्कूल। मैं पूरा तो उतने अच्छे से नहीं ले पाई, जहाँ तक मुझे हो सका मैं ले पाई, ऐसा कुछ है। और कुछ बच्चे यहाँ पे ड्रेस में गए थे, कुछ बच्चे कलर ड्रेस में गए थे, मुझे पता नहीं था कैसे जाना था कलर ड्रेस में। यहाँ मैं मैम से बात नहीं कर पाई थी इसलिए। तो यहाँ पे बाबू मेरा कलर ड्रेस पहना था, और ऐसा नहीं है कि सब बच्चे ड्रेस में गए थे, आधे बच्चे तो कलर ड्रेस में ही गए थे। तो यहाँ पे सब फूड इंजॉय कर रहे हैं। और वीडियो ना आने का पर्पस कि बहुत टाइम बैक लगा मेरे वीडियो से, यूट्यूब से थोड़ी सी दूरी बना के रखी थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही था और थोड़ा सा मुझे कुछ किसी बात को लेकर थोड़ा सा टेंशन था, तो इसलिए मैं थोड़ा दूरी बना के रखी थी। और ये प्रिंसिपल मैम, हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट भी कराया था तो वो भी मैं यहाँ पे लास्ट में लगा दूँगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो के लिए ही आए थे मैम लोग के साथ। यहाँ पे बाबू का मैं थोड़ा क्लिक कर ली। और यहाँ पे बाबू श्रेया और बाबू के कुछ फ्रेंड थे, वो इंजॉय कर रहे थे। और ये है एंट्री गेट, यहीं से एंट्री करते हैं स्कूल में। इधर जाओ, इधर। और ये है मेरी बेटी श्रेया जो ग्रीन कलर का पहन रखी है, और वो अभी प्लेग्राउंड जो है छोटे बच्चों का वो उसको एंजॉय करने के लिए उधर जा रही है, क्योंकि इधर प्ले वे और LKG UKG बच्चों के लिए है ग्राउंड खेलने वाला, तो खेलने जा रही है। यहाँ पे झूले चाहिए थे उसको तो। और हाँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर क्या कर रही है एंजॉय। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। श्रेया आ जाओ, अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला। अब लेट हो रहा है बेटा, चलो हम लोग चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड श्रेया को मेरी बेटी का एक मैसेज है, जब वो कोई यूज करता है कोई खिलौना या जो भी तो उसको वही चाहिए। बट यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन अपने मस्ती में गुम हो गए। मुझे यहाँ 4 या 5 मंथ बाद मुझे श्रेया का भी एडमिशन कराना है,
तो वैसे सिया को स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, वो हर टाइम जैसे बाबू स्कूल जाता है उसके बाद से बोलते हैं मुझे भी स्कूल जाना है। हो गया, बाबू को लाने का टाइम होता है तो स्कूल चलो की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्कूल ऐसे ही है ना, आने के बाद ये है हमारा रास्ता। अच्छा भाभी स्कूल से बस मुझे लगता है 2 या 4 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है स्कूल। और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो शूट की तो उसको भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पे स्कूल से आने के बाद से मैंने थोड़ा बहुत अपना भी फ़ोटो क्लिक किया था एंड उसके बाद से ये आपको स्कूल का देखने को मिलेगा। तो ये रहा, ये है बाबू की प्रिंसिपल मैम जो बाबू के साथ फ़ोटो क्लिक कराई थी। और ना बहुत बहुत अच्छी हैं, नोवर्ड की कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। एक बार मैंने बोला कि मैम एक फ़ोटो हो जाए आपके साथ, तो हाँ श्योर ऐसा करके, तो हम लोगों का ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब प्रिंसिपल है या बाबू की टीचर है। बहुत अच्छे से एक फ्रेंड जैसा फील हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी बहुत इंजॉय किए बच्चों के साथ ही साथ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसमें मैम है, कुछ फ्रेंड है हमारी, तो पता ही नहीं चला है कौन मैम है कौन नहीं। तो यहाँ पे और मैं थोड़ा बहुत ही कैप्चर कर पाई थी, बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं कर पाई थी। सोची थी कि बाबू का एक मेमोरी रह जाएगा यहाँ पे मेरे सेव। और ये बाबू की क्लास टीचर है तो इनके साथ भी फ़ोटो क्लिक करवाना तो बनता है, तो मैंने उसको भी रख लिया कि मैं बाबू को ताकि दिखा सकूं इन फ्यूचर कि बाबू ये तुम्हारी टीचर है। और ये जो मेरे जस्ट बगल में ये भी बाबू की क्लास टीचर ही है। एक्चुअली बाबू के क्लास का 2 सेक्शन है, तो एक की ये है और एक की जो अभी थी येलो कलर का साड़ी पहनी थी कॉटन का वो है। तो ये तो चलिए, आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। एंड वीडियो को भर भर के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू सून।